हे एवरीवन, आर यू गुड? 13 जून को BTS का बर्थडे होता है। उस दिन BTS फेस्टा पार्टी होती है। इस साल 2022 को BTS की 9th बर्थडे पर 14 जून की शाम को BTS की फेस्टा पार्टी थी। इसी दिन से ही BTS ब्रेक पर गए थे और सब जगह ये बात फैल गई थी कि BTS डिसबैंड हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस लाइव को आपके साथ शेयर किया जाए और साथ में मिलकर देखे कि BTS ने इसमें ऐसा क्या कहा कि सबको लगा कि BTS डिसबैंड हो गई। और हाँ, JK वाली लाइव के बारे में कोई बात नहीं करेगा, उसके अभी इंग्लिश टाइटल नहीं आए हुए हैं, ठीक है? तो इस वाली लाइव पर ध्यान दो। एनीवे, ये लाइव 1 घंटे की है तो इसके 3-4 पार्ट तो बनेंगे। सो स्टार्ट। 14 जून 2022 BTS डिनर पार्टी। तो यहाँ शुरुआत में ही शुगा कह रहे हैं, एवरीवन मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाते हैं। जिहोप कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पीऊँ। शुगा कहता है, चलो अपना फेवरेट वाली ही पीते हैं। तो यहाँ सब अपनी पसंद की ड्रिंक पी रहे हैं, यानी सोजू, विस्की, वाइन, ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी पीनी है। इसलिए इस पार्ट को मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, मतलब आगे बढ़ा रही हूँ। आरम यहाँ बाकी मेंबर से कह रहे हैं, कैसे हैं आप सब, क्या कर रहे हैं? इस पर शुगा कहते हैं, हम एक ही कंपनी में नहीं रहते क्या? फिर JK भी आरम के सवाल पर कहते हैं, क्या हम एक साथ काम नहीं कर रहे? तो जिमिन कह रहे हैं, नहीं, आरम फैंस के लिए कह रहे हैं, यानी हमारे फैंस ये जानने के लिए बेताब होगी कि हम आजकल क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा कोई ऑफिशियल प्लान तो आया नहीं है। तो फिर जेहोब भी सेम सवाल करते हैं कि तुम लोग आजकल क्या कर रहे हो? और ये लो, शुगा यहाँ से खाना चुरा रहे हैं। शुगा कहते हैं, मेरी ज़िंदगी आजकल बहुत बिजी है। जिस पर जिन भी कहते हैं, हाँ युंगी बहुत बिजी है। फिर जेहोब कह रहे हैं, मैंने शुगा का शेड्यूल देखा है। और वो जेहोब फिर हंस पड़े। शुगा कहते हैं, अभी तो जेहोब ने मेरा एक्सरसाइज का और इंग्लिश क्लास का शेड्यूल नहीं देखा है, मुझे सब खुद से ही करना है। तो आरम कहते हैं, तुम एक ट्रेनी जैसे लग रहे हो जो सब कुछ सीखता है। फिर जेहोब कहते हैं, पता नहीं शुगा ये सब कर कैसे पाएंगे। शुगा कहते हैं, जब कोई काम आपसे करवाता है तो ये बिल्कुल अलग होता है, पर जब आप इसे करते हैं तो इसमें मज़ा आता है। शुगा के कहने का मतलब है कि अभी वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं, उनसे कंपनी नहीं करवा रही है, तो उन्हें काम में मज़ा आ रहा है। फिर वी कहते हैं, चलो क्लिंग करें। क्लिंग का मतलब होता है वो सेलिब्रेट करते समय गिलास को आपस में टकराते हैं ना, हाँ यही। शुगा कह रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा भूखा था, थैंक यू, ये बहुत डिलीशियस है। जेहोप यहाँ कह रहे हैं, आजकल मुझे विस्की बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। जिस पर आरम कहते हैं, तुमने अभी भी बहुत ज़्यादा पी ली है। जेहोप कह रहे हैं, ये डिनर पार्टी हमारी पहले की डिनर पार्टी से काफ़ी अलग है। जिमिन जेहोप से यहाँ कह रहे हैं, तुम्हारा फेस देखो कैसा हो गया। जिस पर जेहोप पूछता, क्यों क्या हुआ? शुगा यहाँ बता रहे कि तुम्हारा फेस से पता चल रहा है कि तुमने कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। आगे शुगा कहते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था कि क्या जेहोब ड्रिंकिंग में बहुत बुरे हैं। जेहोब कहते हैं, हाँ ये सवाल सभी पूछते हैं। फिर जिमिन जिन से पूछते हैं, आजकल क्या कर रहे हो जिन? जिस पर जिन कहते हैं, मैं तो गेम्स में ही लगा हुआ हूँ। जिमिन कहते हैं, तुम गेम ही खेलते हो क्या? तो जिन कह रहे हैं, तुम्हें पता है अभी हमारी 4-5 दिनों की छुट्टी थी, तो मैंने इन 4 दिनों में सिर्फ 2 टाइम का खाना खाया और 1 दिन में 20 घंटे गेम खेलता था। मैं ना खाता था ना सोता था। ये सुनकर आरम कहते हैं, तो तुम्हें यहाँ बहुत खाना चाहिए। इस पर JK कहते हैं, तुम ज़्यादा ही कर रहे हो। आरम कहते हैं, मैंने सुना था कि इसमें मतलब गेमिंग में बहुत मज़ा आता है। तो जिन कहते हैं, हाँ इसमें बहुत मज़ा है, वैसे मैं आमतौर पर इतना खेलता नहीं हूँ। फिर जिन कहते हैं, जिमिन तुम आजकल क्या कर रहे हो? आरम कहते हैं, जिमिन अपने सॉन्ग पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर जिमिन भी कहते हैं कि मैं भी बहुत बिजी लाइफ जी रहा हूँ। फिर जेहोब कहते हैं, तुम खाना नहीं खा रहे हो क्या? यहाँ जिमिन कह रहे हैं, नहीं मैं खाऊँगा अभी। फिर जेहोब कहते हैं, वैसे जिमिन जब ड्रिंक करते हैं तो खाना नहीं खाते हैं। शुगा कह रहे हैं, हम पहले खा लेते हैं फिर बात करते हैं। इस पर आरम भी कहते हैं, हाँ पहले खाना फिर बात।
फिर भी BTS खाना खाते समय बात कर रहे थे। वो अपने 2018 की डिनर पार्टी को याद करते हुए कह रहे हैं कि 2018 की डिनर पार्टी में हमने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बुक कराया था। तो जुहोप कहते हैं मुझे तो उस दिन के कपड़े भी याद है। यहाँ पर भी कह रहे हैं हाँ मुझे भी याद है, मैंने अपने कपड़े पर 28,000 वॉन खर्च किए थे। वैसे 28,000 वॉन इंडियन रुपए के हिसाब से सिर्फ 1600 रुपए होते हैं। और यहाँ पर BTS की 2018 की डिनर पार्टी दिखा रहे हैं जहाँ पर वी ने कहा था कि उनके कपड़े 68,000 वॉन के हैं, और यहाँ वी ने क्या बोला 28,000 वॉन के। पहले डिसाइड कर लो वी कपड़े कितने के थे। एनीवे वी कह रहे कि जिमिन क्रैप खाओगे, जिमिन कहते हैं नहीं अभी नहीं। तो जिन भी पूछता है कोई बड़ा क्रैप लेगा क्या, यकीन नहीं आता मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और BTS को नॉनवेज खाते हुए देख रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ। वाह, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ क्योंकि ये समझ नहीं आएगा, वो अपने ट्रेडिशन खाने की बात कर रहे हैं। तो शुगा यहाँ पर कह रहे हैं हाँ तो जिमिन तुम गाने पर काम कर रहे हो। तो जिमिन कहते हैं एक्चुअली यहाँ बताने के लिए ये बहुत जल्दी होगा। तो शुगा कहते हैं तो तुम सिर्फ ये कहो कि तुम एक गाने पर काम कर रहे हो। जिमिन कहते हैं इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, मैंने सोचा कि जिन गाने में अच्छे हैं तो उनसे मदद ली जाए, मैंने उनसे पूछा था। जोहोप कहते हैं क्या ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट थी। जिमिन कहते हैं मैंने उनसे पूछ लिया था वैसे। जिन कहते हैं तुम्हें पता है ना मैं चार्ज लेता हूँ, मतलब पैसे, तुम्हें पता है ना मैं कितने पैसे लेता हूँ। जोहोप कहते हैं जिन तुम कितने मतलबी हो। आरम कहते हैं देखो जिन पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर शुगा भी जिनको कहते हैं मैंने तुमसे कभी पैसे लिए हैं तुम्हारे गाने में हेल्प करने के लिए। बिल्कुल नहीं, मैंने फ्री में काम किया है। फिर आरम जिनसे कहते हैं हम तुमसे थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए हैं। फिर शुगा कहते हैं मैंने जिमिन के सॉन्ग का थोड़ा सा पार्ट सुना था। जोहोप कहते हैं सच में। जिमिन कहते हैं नहीं शुगा ने दूसरा सॉन्ग सुना था। इस पर JK जिमिन से कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए सारे सॉन्ग यहाँ नहीं चला सकते हो। इस पर जिमिन हैरानी से कहते हैं क्या मैं सारे सॉन्ग तुम्हारे लिए चलाऊं यहाँ। JK कहते हैं मैं उदास हो गया। फिर आरम JK को कहते हैं कि JK जिमिन के लिए जोहोप हमेशा नंबर वन पर रहते हैं, तुम्हें ये समझना चाहिए हम सब जोहोप के बाद आते हैं। जिमिन कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे कंपनी देते हैं बस। जोहोप कहते हैं मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। JK फिर कहते हैं मैं उदास हूँ। जिमिन कहते हैं जंगकुक और बाकी मेंबर आके मेरा काम देखो। JK फिर भी कहते रहते हैं मैं उदास हूँ। शुगा कह रहे हैं जिमिन बहुत शर्मिंदा महसूस करेंगे जब वो हमें अपना काम दिखाएंगे। आरम कहते हैं हम सभी शर्मिंदा महसूस करेंगे। फिर JK जिमिन को कहते हैं चलो माफ़ी मांगो मुझसे, और जिमिन ने सॉरी बोल भी दिया। JK फिर पूछते हैं जिमिन तुम कहाँ काम करते हो। जिमिन कहते हैं कभी कंपनी में, कभी बैंक PD के घर पर, कभी अपने घर पर। JK कहते हैं बैंक PD के घर पर, मुझे उनसे कुछ पूछना हुआ तो वो तो बहुत बिजी होंगे ना। तो शुगा कहते हैं मुझसे पूछना जंगकुक। आरम कहते हैं हाँ तुम्हें पता है ना शुगा हिट गाने प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। जोहोप कहते हैं वह मतलब शुगा दैट सॉन्ग के बाद बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। आपने शुगा का दैट सॉन्ग सुना है ना, और ही शुगा इस गाने पर डांस करने लगे दैट। जिमिन कह रहे हैं मैंने इस गाने पर बहुत सारे चैलेंज वीडियो देखे हैं, जब ये सॉन्ग चला था ना मैं सारा दिन इस गाने को सुनती थी। खैर जोहोप कह रहे हैं युंगी ने सॉन्ग के डांस के लिए सच में बहुत मेहनत की है। शुगा कहते हैं हाँ इस गाने की शूटिंग हमारे कॉन्सर्ट के 2 दिन बाद हुई, जब मैं ग्रैमी के लिए प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने इसकी भी प्रैक्टिस की साथ में। आरम कहते हैं मुझे पता नहीं था तो मैं डांस पसंद है। जोहोप कहते हैं हाँ आजकल शुगा को डांस काफ़ी पसंद आ रहा है। शुगा कहते हैं हाँ मुझे डांस पसंद है। जोहोप कह रहे हैं तुम अच्छा हिप हॉप कर लेते हो। तो शुगा जवाब देते हैं हाँ बस 3 दिन के लिए ही। शुगा कह रहे हैं मैंने वोकल की भी यानी गाने की भी ट्रेनिंग ली है। तू भी हैरानी से कहते हैं क्या सच में। जिन कह रहे हैं
मैंने कभी शुआ को इतना पैशनेट तरीके से काम करते हुए नहीं देखा है। तो शुआ कहते हैं, तुम सुनना नहीं चाहते मैं कौन कौन से लेसन ले रहा हूँ? इंग्लिश, जापानीज, गिटार, कीबोर्ड, हारमोनिका, पिलाटेस, पिलाटेस एक तरह की एक्सरसाइज होती है, डांस। अरे मजाक में कहते हैं, कल तुम एक डॉक्टर भी नजर आओगे। तो शुआ कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? खैर ये एक जोक था। आरम कह रहे हैं, ये सच में बहुत बिजी है। जो शुआ को कहते हैं, तुम ये सब कर कैसे रहे हो? शुआ कहते हैं, हर दिन कुछ नया करने का एक अलग ही संतोष है मन में। खैर यहाँ आरम कहते हैं, ये हमारी 9th एनिवर्सरी पार्टी है, हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आरम के कहने का मतलब था कि अब जरा काम की बातें की जाए। यहाँ से स्टार्ट होती है मेन बातें, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, BTS ब्रेक पर जाने के बाद और BTS की फ्यूचर प्लान। इसमें 2-3 दिन लग जाएंगे। ओके, बाकी कल के लिए दूसरी वीडियो आएगी। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। बाय बाय।